कोहरा, कोहरा का पत्ता का चावल के आटा से सब्जी, चावल का आटा का घोल है, इसमें मसाला डाला हुआ है, जीरा लहसुन धनिया गोल मिर्च हल्दी, और फिर ऐसे लपेटना है, एक पे एक लपेट के रखना है, और फिर रोल बनाना है। उसके बाद इसको फ्राई करना है तेल में। पीसा गया है और लहसुन को पीस रहे हैं। इसको तावा पे तेल में फ्राई कर देंगे, और ये दो तावा पे इसलिए कि जल्दी हो। अब ये बन के ऐसा हो गया है, अब इसको पीस पीस काट लेंगे। फिर कढ़ाई गरम करेंगे, तेल डालेंगे 2 चम्मच, फिर 5 फोड़न डालेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे, फिर थोड़ा जल जाए फोड़न, सरसों लहसुन का पेस्ट है, इसमें धनिया डालेंगे, गोल मिर्च डालेंगे, मिर्ची हल्दी सब डाल के, हल्दी फिर इसमें सबको डाल देंगे। फोड़न जल गया है, अब इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे मसाला को, 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा, इसको फ्राई करेंगे, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। फिर इसमें टमाटर डालेंगे और इसको फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसको पीस पीस काट लेंगे सबको। इधर ग्रेवी तैयार हो रहा है, टमाटर को थोड़ा सा गल जाए, पानी डाल के ग्रेवी बना ले, अपना पसंद जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डालें। इसको उबालें, खूब उबल जाए ग्रेवी, जब खूब उबल जाए, जब इस रोल को काटे तो ये जब ठंडा हो जाए रोल, तब चाकू से इसको पीस पीस काटे तो आसानी से कटेगा। अब इसमें सबको डाल देंगे और एक उबाल आने पे, गैस बंद कर देंगे, धनिया पत्ती से गार्निश कर दे। हम खाली प्लेट में ये वाला में ऐसा वाला में वाइट वाइट में वाइट वाइट में क्या लगेगा, दाल को सीटी मारने से रोको। अरे तो चालू था।